Hello students, welcome to science class. Myself Neetu Sharma and we are studying chapter 12 sound. बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में. जैसे कि हमने देखा लास्ट वीडियो में नॉइस क्या होता है, एक अनप्लीजेंट साउंड है जो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस. कोई भी ऑब्जेक्ट जो अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे अलग अलग तरह का अलग अलग एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि रेगुलर नहीं होगा और वो हमारे लिए नॉइस की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. तो क्या होगी ये डेफिनेशन? एनी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनवायरमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनडिजायरेबल लाउड साउंड ऑफ वेरियस फॉर्म्स इज नॉइस पॉल्यूशन. एनवायरमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाए क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप के अनप्लीजेंट अनडिजायरेबल साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऐसे साउंड हमारे लिए अच्छे नहीं है सुनने में, हमें अच्छा नहीं लगता वो सुनने में. तो हार्श साउंड अनडिजायरेबल अनप्लीजेंट साउंड को ही हम नॉइस पॉल्यूशन कह रहे हैं. क्या क्या सोर्स हो सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन के? अगर हम अपने घर में देखें तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो अजीब सी आवाज निकालते हैं और जब वो गैजेट्स या अप्लायंसेस हम यूज करते हैं तो उनसे प्रोड्यूस होने वाला साउंड हमें अच्छा नहीं लगता. जैसे कि किचन में मिक्सर ग्राइंडर जब ऑन होता है तो अजीब सी हार्श वॉइस वहां से निकलती है जो कि हमारे लिए एक नॉइज है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने फैन की बात करी, फैन में अगर कोई कंप्रेसर डाउन हो गया है या प्रॉपर मोटरिंग नहीं हो रही है तो उसमें से आवाजें आने शुरू हो जाती है तो वो भी एक अनप्लीजेंट सा साउंड है, वो भी हमारे लिए क्या है, नॉइज है. इसके अलावा अगर हम आसपास गलियों में देखें तो लोग बाग गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, कोई हॉर्न कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की स्पीड ज्यादा है, तो यहां से भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साउंड एक साथ हमारे कानों पर पहुंच रहे हैं जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट है, अनडिजायरेबल, दैट इज नॉइज फॉर अस. इसके अलावा जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खुद की वॉइस और साथ में साथ बहुत लोगों की वॉइस इकट्ठी हो जाती है, साथ में उस रोड पे दूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स जो है वो भी चलते हैं, उनकी भी वॉइसेस हमारे कानों तक आती है तो कलेक्टिवली दे फॉर्म नॉइज फॉर अस. इसके अलावा ट्रैफिक, जब हम बहुत सारे भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो वहां पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है. प्लेग्राउंड की बात करें तो प्लेइंग जो होते हैं प्लेयर्स वो अपना साउंड अलग प्रोड्यूस करते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं वो अपना वॉइस अलग प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इरेगुलर से साउंड होते हैं जो कि नॉइस की तरह बिहेव करते हैं. मार्केट प्लेसेस में, इवन सोशल फंक्शंस में, अब वहां पे आप बोलोगे कि गाने तो चल रहे हैं मैडम, म्यूजिक चल रहा है, वो तो नॉइस नहीं होना चाहिए, पर जब बहुत ज्यादा तेज लाउड म्यूजिक बजाएंगे और बहुत सारे गाने इकट्ठे बजने लग जाएंगे तो कहीं पे भी हमें प्लीजेंट सा म्यूजिक सुनने को नहीं मिलेगा और ये अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल साउंड जो है वो नॉइस की तरह हमारे लिए बन जाएगा. फिर जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उसमें बहुत सारी मशीनरीज वर्क करती हैं और ये मशीनरीज सब साथ में वर्क करती है जिसमें से अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट विल अगेन फॉर्म अ नॉइस फॉर अस. दीज आर द प्लेस वेयर नॉइस पॉल्यूशन आर क्रिएटेड. कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई हथौड़ी चला रहा है, कोई आरी चला रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो अगेन एक नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. आप जब सोते हैं और मान लीजिए घर में कोई नल टपक रहा है, लीक कर रहा है, तो उसका जो साउंड आता है लीकिंग का, टप टप करते, वो आपकी नींद खराब कर सकता है. इसके अलावा जो क्लॉक का टिकलिंग साउंड होता है वो भी आपकी नींद खराब कर सकता है, तो ये साउंड उस समय आपको डिस्टर्ब करते हैं तो ये आपके लिए अनप्लीजेंट साउंड हो जाते हैं. तो ये रात के समय जब आप स्लीपिंग कंडीशन में हो तो ये आपके लिए नॉइस की तरह बिहेव करते हैं. इवन कूलर्स है, फैंस है, इनमें भी बहुत वॉइस हार्श आती है जो कि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है. इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, अब इतना सारा नॉइस हमारे आसपास है, इतना ज्यादा हार्श साउंड है हमारे आसपास
जो बहुत ही लाउड है और ज्यादा अमाउंट में हमारे पास आ रहा है, दैट इज कॉल्स नॉइस पोल्यूशन टू अस। तो इसका क्या हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा, आइए हम उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो जो ये नॉइस पोल्यूशन है, इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो स्वीट बिहेवियर होता है, एक स्टेबल बिहेवियर होता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, लोगों को बिना मतलब चिल्लाने लग जाते हैं। तो दैट इज द ड्रॉबैक और इल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन आवर मेंटल हेल्थ। इसके अलावा हम फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, चिड़चिड़ा हो जाना, बिना बात के लोगों पे चिल्लाना, उनको डांटना, अच्छे से बात नहीं करना, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। फिर अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस वर्क पे नहीं जाएगा, बार बार आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा, आप प्रॉपर वर्क को नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं सारे हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ड्रॉबैक्स है जो नॉइस पोल्यूशन के कारण हमें फील हो रहे हैं। ज्यादा हम इस नॉइस पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो कई बार हमारे हार्ट पे भी इसके बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारा जो हार्ट का पंपिंग रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार स्लीपिंग प्रॉपर ना होने के कारण एंजाइटी और हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाती है कि मैं अचानक से क्या कर लूं, क्या नहीं करूं, तो ये एंजाइटी होती है। इमोशनल बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक काम पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। इससे मेमोरी लॉस भी होने लग जाती है, आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से आप नॉइस के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो तो आप वो काम करना भूल जाते हो, या ऐसे ही आप कोई जरूरी काम के लिए जाते हैं और अचानक से आप नॉइस के कॉन्टेक्ट में आते हैं या कोई इस तरह के साउंड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। तो इस तरह के बैड इफेक्ट्स नॉइस पॉल्यूशन के हमारे हेल्थ पे होते हैं। अगर कोई इंसान परमानेंट उस नॉइस पॉल्यूशन में है या बहुत ज्यादा टाइम उस नॉइस पॉल्यूशन में बिता रहा है तो सीधा असर उनके कानों पे पड़ेगा और टेम्पररी डेफनेस की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। अगर ये प्रोलोंग्ड हो गया, अगर उस आदमी का कॉन्टेक्ट नॉइस पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो गया तो ये जो टेम्पररी डेफनेस है ये परमानेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, परमानेंटली अपना जो हियरिंग पावर है वो लॉस कर सकता है। आज के टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस नॉइस को कम्प्लीटली डिसअपीयर कर सकें। तो हम क्या करें कि हम इस नॉइस पॉल्यूशन के बैड इफेक्ट से बच सकें? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इस नॉइस को हम रिड्यूस करें या कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम इस नॉइस से दूर रह सकें, ताकि इसके बैड इफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे ना देखने को मिले। तो क्या क्या तरीके हैं इस नॉइस को रिड्यूस करने के या इसके बैड इफेक्ट्स को कम करने के? सबसे पहले तो अगर कोई फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहां की मशीन्स में, स्पेशली ऐसी मशीन्स में जो बहुत आवाजें करती है, वहां पर साइलेंसिंग डिवाइसेस फिट करना जरूरी है। इस तरह के साइलेंसिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करने से नॉइस को काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट्स इंजन्स जो होते हैं उनमें भी बहुत तेज आवाज निकलती है जो नॉइस पोल्यूशन का एक कारण है। उनमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में और डिफरेंट होम अप्लायंसेस में जो कि बहुत आवाज करते हैं, बहुत नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन सभी में इस साइलेंसिंग डिवाइस का यूज करके हम काफी हद तक नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लाउड स्पीकर या इस तरह के एम्पलीफायर्स का यूज ना के बराबर हो, इस चीज का ध्यान रखें, कम से कम इनका यूज हो। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर सेटअप की जा सके, इससे दो फायदे होंगे, एक तो एयर पोल्यूशन कम होगा, दूसरा उस रेसिडेंशियल एरिया के लोगों में नॉइस पोल्यूशन का बैड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। रोड साइड्स पे प्लांटेशन करना, मतलब रोड्स के दोनों तरफ ट्रीज का प्लांट करना काफी हद तक नॉइस को एब्जॉर्ब करने में या रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। प्लांट साउंड के या मैक्सिमम वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे हाई एम्पलीट्यूड या हाई फ्रिक्वेंसी का वॉइस प्रोड्यूस नहीं होता है।
स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस, जितना हो सके हमें बिजी प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। अगर मजबूरी है हमें मशीनरीज के साथ काम करना है तो हमें अपने कानों को कवर करके रखना चाहिए, कोई ना कोई स्पेशली डिजाइन ईयर मफ्स का या ईयर प्लग्स का यूज करना चाहिए जिससे हम अपने कानों को कवर कर पाए। इसके कारण हाई एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के जो वॉइस है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेंगे और हमारे ईयर ड्रम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉइस पॉल्यूशन का बैड इफेक्ट हमारे कानों पे भी देखने को मिलता है, जिसके कारण परमानेंट और टेम्पररी डेफनेस भी क्रिएट हो सकती है। टेम्पररी डेफनेस तो ऑलमोस्ट देखी ही जाती है, पर परमानेंट डेफनेस भी क्रिएट होती है जब प्रोलोंग्ड हम नॉइस एरिया में या नॉइस पॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब होता है कि सुनने से रिलेटेड क्या क्या डिसीजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो परमानेंट डेफनेस या फिर पार्शियल या टेम्पररी डेफनेस। परमानेंट या टोटल डेफनेस होता है कि बिल्कुल नहीं सुनाई देना, और ये बहुत रेयर डिफेक्ट है। ज्यादातर लोगों में ये बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है ड्यू टू सम इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ईयर स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्शियल डेफनेस की बात करें तो पार्शियल डेफनेस में कुछ हद तक तो सुनाई देता है पर क्लियरली वॉइस जो है वो ऑडिबल नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन का क्या कॉज है, ये किसी डिजीज के कारण भी हो सकता है, इंजरी के कारण भी हो सकता है, एज के साथ साथ हमारी इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर्स जो है वो वीक होते चले जाते हैं उसके कारण भी पार्शियल डेफनेस क्रिएट हो जाती है, या फिर लगातार नॉइस पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रहने से भी पार्शियल डेफनेस क्रिएट होती है। ऐसे पर्सन जो पार्शियल डेफनेस से सफर कर रहे हैं वो भी इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके लिए कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स है या फिर साइन लैंग्वेजेस है। साइन लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जिसमें हाथ से कुछ स्ट्रक्चर बनाकर सामने वाले को समझाया जाता है कि क्या वो कहना चाह रहा है जो पार्शियल डेफनेस लिए पर्सन है। हियरिंग एड में एक छोटा सा कान की मशीन होती है, ये एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसका काम ये होता है कि स्पेशली जो वॉइस आ रही है उसको थोड़ा सा हाई एम्पलीफाई कर दे और फिर वो साउंड की व्यवस्था ईयर ड्रम तक पहुंच जाए और आसानी से वो साउंड हमें सुनाई दे जाए। तो मेन काम इसका एम्पलीफिकेशन का होता है। ऐसे पर्सन जो बहुत ऊंचा सुनते हैं, कम आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, उनके लिए स्पेशली ये हियरिंग एड बनाया गया है, डेवलप किया गया है ताकि उनको हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो और लो वॉइस को भी वो आसानी से नॉर्मली सुन सके। ठीक है, तो साइन लैंग्वेज या फिर हियरिंग एड्स को यूज करके पार्शियल डेफनेस वाले पर्सन अपने आप को बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।